अकात कथा कहिए गुरुपा, अकात कथा कहिए गुरुपा। वाहिगुरु साहिब जीओ, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी, दल पंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक तिस पयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लहना। चवर छतर तख्त मालिक, अंतर जामी लोक परलोक दे सहाई, तन तन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रवे, बड़े प्यार भावना सहित बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागी हो जो के तन तन गुरु नानक साहिब महाराज जी दे छेवीं जोत छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक, बड़ जोधा बहु परोपकारी, दल पंजन गुरु सूरमा, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जिया दे पावन प्रकाश पुरब ते गुरु दरबार विच गुरु चरणों विच जुड़ मिल बैठ करके जीवन दियां घड़ियां नू सवासां नू सफला बना रहे हो। संगत जी हजूर दे बचन ने सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले है हर उर तारे, कि सब तो वड्डा इस दुनिया विच जे कोई पुरख है ते ओ गुरु हरगोबिंद साहिब ने। अगे पातशाह जी बख्शिश करदे ने, गुरसिखा गुरमुख कथा मन भाई, धन धन वड पाग हमारे। साध संगत जी जेड़ा भी गुरु का सिख गुरु की वड्याई संगत विच बैठ करके परमात्मा वाहिगुरु की वड्याई सरवण करदा, हजूर कहिंदे गुरमुख कथा सुनी मन भाई, हजूर कहिंदे धन धन वड पाग हमारे। साढ़े वड्डे भाग हन संगत जी जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की निघी गोद विच बैठ के निरंकार दे गुण गाउंदे हां। सतगुरां ने अपार बख्शिश की, अज दा उह पावन पवित्र दिहाड़ा। धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज, अज दे दिन 1595 गुरु की वडाली, धन धन माता गंगा जी ते धन धन पिता गुरु अर्जुन देव साहिब महाराज जी दे घर सतगुरां दी आमद हुंदी है। गुरु प्यार वालेओ, धन धन गुरु रामदास साहिब महाराज जी ते बीबी भानी जी दे ग्रह विखे तीन सपुत्रां ने अवतार धारिया। सब तो बड़े ने बाबा पृथ्वी चंद जी,
दूजे ने महादेव जी ते तीजे ने धन गुरु अर्जुन देव साहब जी। और संगत जी, धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज जी नूं गुरता गद्दी की बख्शिश होई, क्योंकि ये गुरता गद्दी जिहड़ी है ये गुरु नानक साहब के घर की दात है, ना कि सतसंग जी खरीदी जा सकती है, ना बल लाल लई जा सकती है। महाराज कहिंदे ये जिहड़ी दात है गुरु नानक तुठा किन्नी दात, सतगुरु कहिंदे ये दात जिहड़ी है ना संगत जी, ये जदों गुरु साहब तुठदे ने ते ये दात प्राप्त होंदी है। गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज जी कुछ समय बाद गुरता गद्दी ते बैठे ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने अमृतसर साहब की पावन धरती नूं होर सतगुरां ने चार चन्न लाए, भाव सतगुरां ने इस पावन शहर नूं होर वधाया। ते जिस हरिमंदर साहब दे असीं दर्शन करदे हां, जिहदे बाबत भट्ट साहिबाना ने वचन किए कि जिहड़ा अमृतसर साहब की पावन धरती श्री हरिमंदर साहब है, सतगुर गुरु रामदास साहिब पातशाह जी दे घर की वडियाई करते हैं, अमृतसर सतगुर सतवादी जित नहाते कौआ हंस हो है, ऐसी वड्डी वडियाई दे मालक धन गुरु अर्जुन देव साहब महाराज ने सरोवर दे विचकार श्री हरिमंदर साहब की उसारी करवाई। तो सार संगत जी 30 रागों में गुरु अर्जन साहब ने बाणी उचारी। अखीरकार सार संगत जी उन्होंने वड्डे भ्राता पृथ्वी चंद इस गलों बड़ा खुशी सन उन्हों का परिवार बीबी करमो कि साढ़े घर का पुत्र है और साढ़े भ्राता दे घर पुत्र नहीं, आने वाली गद्दी है साढ़े घर आएगी। आखो सतनाम तवारीख लिखती है, ये बहुत खुश ने। पर संगत जी जदों भी असी इतिहास वाचते हाँ पढ़ते हाँ, माता गंगा जी और गुरु अर्जन साहब जी का जीवन जदों महाराज सतगुरु महाराज तत्ती तवी ते बैठते वो भी भाणा मनिया, पर जदों सारा जीवन वाचते चेते रखियो एक एक दिन गुरु अर्जन साहब जी का भाणा मनण ते दसिया गया कि गुरु के सिख नूं भाणा किवें मनना। धन गुरु अर्जुन देव साहब महाराज जी दे कोल माता गंगा जी आए। आ कई बारी साढ़े मन विच शंका पै जांदा है कि गुरु अर्जन साहब जी ते सर्वकला समर्थ ने, गुरु अर्जन प्रतख हर पट साहबाना ने बचन किया। तो कई बार साढ़े विचों कहणगे जी गुरु अर्जन साहब तो आप समर्थ सी, बाबा बुढ़ा साहब कोल क्यों भेजिया। पर संगत जी चेते रखियो सतगुरु गुरु अर्जन साहब कोल भाई गुरमुख आया सी, ते भाई गुरमुख ने सवाल किया गुरु अर्जन साहब जी मैं सुनिया कि बहुत गुरु के सिख ने जिहड़े हरख सोग तो निर्लेप ने, हरख सोग तो जे उन्होंने जीवन में दुख आवे तो दुखी नहीं होंगे, तो जे उन्होंने जीवन में खुशी आवे तो ज़्यादा खुशी नहीं होंगे। गुरु अर्जन साहब न पातशाह नूं बेनती की भाई गुरमुख ने, महाराज कोई ऐसा गुरसिख है मैं वो दर्शन करना चाहना जिहड़ा हरख सोग तो निर्लेप है। तो गुरु अर्जन साहब ने भेजिया सी भाई भिखारी दे घर कि गुरमुखा जे कोई हरख सोग तो निर्लेप गुरु के सिख दे दर्शन करना चाहना वो भाई भिखारी है, जा भिखारी दे घर दर्शन कर। भेजिया ना, महाराज सर्वकला समर्थ हैं, सतगुरु उत्थे भी दस सकते ने, पर महाराज ने भाई भिखारी दे घर भेजिया। ध्यान दिओ संगत जी, कहिंदे ने धन गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज जी दे कोल सिख आया कि सतगुरु है कोई ऐसा सिख जिहड़ा रोम रोम त्यौंदा होवे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावै, कोई ऐसा है जिहड़ा हर वेले सिमरन करदा होवे, सुवास सुवास सिमरन करदा होवे। ते गुरु अर्जन साहब ने कहा सी जाओ भाई बन्नो दे घर, बन्नो दी संगत करो, भाई बन्नो नूं पुछो, भाई बन्नो सुवास सुवास सिमरन करदा जी। ते संगत जी अगली बेनती करां, कहिंदे ने भाई लंगाह गुरु अमरदास साहब जी दे समें ते आया, ते गुरु अमरदास साहब पातशाह जी नूं पुछिया महाराज तुहाडे दर दी सेवा कीती है, मेरी एक लत नहीं है, कृपा करो मेरी लत ठीक कर दिओ। तो गुरु अमरदास साहब सर्वकला समर्थ ने, पर संगत जी गुरु अमरदास कहते ने भाई लंगा जी तुसी शाह हुसैन कोल चले जाओ, लत उन्हें ठीक करनी है। पर जदों भाई लंगा जी शाह हुसैन कोल गए तो शाह हुसैन ने जदों डंडा फड़िया तो भजन लगे मारन वास्ते, लत ठीक हो गई। पर उत्थे शाह हुसैन ने एक बेनती की, भाई लंगा जी ये लत मैं नहीं ठीक की, ये लत गुरु अमरदास साहब ने ठीक की, करन कराउन वाले आप ने।
गुरु अमरदास साहब जी ने वड्डी वड्याई शाह हुसैन बख्शिश की, गुरु अर्जुन देव साहब ने भाई भिखारी वड्डी वड्याई बख्शिश की, भाई बन्नो नू वड्डी वड्याई बख्शिश की। अज माता गंगा जी चेते रखियो, जे किन्ना समा तवारीख लिखदी, एक एक 21 साल का समा हो गया गुरु अर्जन साहब के घर कोई औलाद नहीं। और कई बारी देखा गया, जदों तक दुनिया वाले ताने ना मारन, भावें लम्मा समा बतीत हो जाए, मन में रोस नहीं आता। कहिंदे ने एक बार बीबी करमो ने ताना मारिया कि ये तो बांझ है, ये घर किसी औलाद ने नहीं होना, यदि राजगद्दी दे मालक मेरे पुत्र मेहरबान नहीं बनना। माता गंगा जी विराग में आ गए, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कोल संगत आ रही सन। अज वो दिन है संगत जी, जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी की आमद होंदी है। मैं बेनती करा संगत जी, गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी की दात प्राप्त करने वास्ते, पुत्र की दात प्राप्त करने वास्ते माता गंगा जी गुरु अर्जन साहब दे कोल आ गए। गल विच पल्ला पाया, बेनती की है गुरु अर्जन साहब जी नूं अपने पति नूं कि तुसी कृपा करो, गुरु नानक दी गद्दी दे मालक हो, साडे घर औलाद नहीं। पर उत्थे गुरु अर्जन साहब ने जो बचन कीते ने, कहिंदे असी परमात्मा दे हुक्म विच रहना, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, हुक्म तो बाहर नहीं। पर उत्थे महाराज गुरु अर्जन साहब ने कहा, जे तुसी पुत्र चाहुंदे हो ते गुरु नानक साहब ने बचन किए हुए ने बाबा बुढ़ा साहब नू कि तेरे तो कदे ओले ना होशा, जाओ बाबा बुढ़ा साहब की सेवा करो, निम्रता सहित सेवा करो, बाबा बुढ़ा साहब जिन्हों की अरदास करनगे उन्हां दे कर खुशियां होणगियां, भाव उन्हां नू पुत्र की दात प्राप्त होवेगी। माता गंगा जी प्रशादा तैयार करदे आ, जदों तुसी देखोगे ना अमृतसर साहब तो बीड़ बाबा बुढ़ा साहब 16 to 17 किलोमीटर दूरी ते है। कहिंदे ने माता गंगा जी आप आटा पीसदे है, आप प्रशादा तैयार करदे है। संगत जी जो भी चाहुंदा है, गुरु ग्रंथ साहब दे बचन ने, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। गुरु अर्जन साहब सर्व कला समर्थ हैं, पर वडियाई बाबा बुढ़ा साहब नूं दित्ती, जाओ बाबा बुढ़ा साहब कोल। ते संगत जी बाबा बुढ़ा साहब को माता गंगा जी प्रशादा तैयार कर लिया। तो जदों बीड़ बाबा बुढ़ा साहब पहुँचे, उधर बाबा बुढ़ा साहब नूं भुख लगी हुई सी, क्योंकि इन्हों का काम सी सारा गुरु नानक दे घर का मझां का देखना, खेतों का देखना, और कार विहार सारा करना। तो बाबा बुढ़ा साहब नूं भुख लगी, जदों देखिया माता जी आए ने कोल बैठ गए। माता जी ने कहा सी प्रशादा तैयार करके लियाए हैं। बाबा बुढ़ा साहब ने कहा, ये माँ को पता होंदा पुत्र को भुख कदों लगती है। और सच जाने हो, जिस माँ ने अपनी आंदरा विच अपनी कोख विच पुत्र को रखा होवे, उन्हें ऑटोमैटिकली पता चल जाता बच्चे को भुख कदों लगती है। बाबा बुढ़ा साहब बड़े खुश होए कि अज प्रशादा तैयार करके लिया, और सतसंग जी जमींदारा प्रशादा, तुसी देख दो जिहड़े जमींदार ने कम करते ने ना, उन्हां नूं मिसे प्रशादे गंढे लस्सी होवे ते बड़ा खुश होंदे ने। बाबा बुढ़ा साहब ने जदों प्रशादा छकिया ते माता गंगा जी नूं पुछिया, अज मन विच भावना की लैके आयो दसो। ते माता गंगा जी ने फिर बेनती की, आप जी गुरु नानक साहब दे अनन सेवक हो, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन साहब जी तक हुण तक आप जी ने गुरु नानक साहब की दर की सेवा की है, कृपा करो मेरे लिए अरदास करो, मेरी भी भाव झोली है वो पुत्र नाल भर जे। बाबा बुढ़ा साहब ने उस वेले गंढा भन्निया, तवारीख लिख दी है ते बचन कीते, जाओ माता गंगा जी थोड़े घर विच जिवें मैं हाथ नाल गंढा भन्निया, आउण वाले समय विच थोड़ा पुत्र वैरियां दा सिर भन्नेगा। आखो सतनाम। ऐसे बचन कीते साध संगत जी, ते गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी दी कहिंदे ने बख्शिश हो गई। 9 महीने बाद माता गंगा जी दे कुखों धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी की आमद होंदी है। गुरु साहब जी कुछ वड्डे होए, जिथे सारी दुनिया विच सारे नानक नाम लेवा सिखां दे घरां विच खुशियां दे माहौल है, सारे वाजे वजा रहे ने, गुरु नानक साहब दे गीत गा रहे ने, पर गुरु नानक साहब गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे वड्डे भराता जी बाबा पृथिया जी घर विच सोग मना रहे ने। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
इन्हों के घर के बच्चे ने नहीं होना सी हो किवें गया, बहुत दुख प्रगट किया। तो साध संगत जी उत्थे गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज जी ने गुरु की बाणी दे विच शब्द उचारे। मैं कहना साध संगत जी सिमरन विच केड़ी ताकत नहीं, तुसीं सिमरन करके देखो। वार वार गुरु की बाणी ने होका दिता कि सिखा सिमरन कर, जो मंगेगा तैनू प्राप्त हो जाएगा। तन गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज जी ने उत्थे शब्द उचारिया, सतगुरु सचे दिया भेज। गुरु अर्जन साहब के बचन ने कहिंदे चिर जीवन उपजिया संजोग, कुदरे माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुरका। हजूर ने बचन किते कि भाई परमात्मा ने बख्शिश की साडे घर विच, गुजी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा किन्नी दात। गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने बख्शिश की, तो साध संगत जी गुरु ना अर्जन देव साहब जी ने शुकराना किया। पर ज्यों गुरु हरगोबिंद साहब जी कुछ वड्डे होए, ताए ने पृथ्वी ने मारन वास्ते तीन वारी जतन किए ने, पर सच जाण्यो जिन्हों का रखवाला परमेशर बन जाता है। सतगुरों का बचन है, जिस दा साहिब डाडा होए तिसनों मार ना साके कोई। पढ़ो सारे, जिस दा साहिब डाडा होए, जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनों मार न सके कोए, तिसनों मार न सके कोए। कहिंदे ने बाबा पृथ्वी ने तीन वारी गुरु हरगोबिंद साहब नू मारन दा जतन किया। तवारीख लिखती है पहला दाई नू भेजिया कि अपने अस्त्रां ते जहर लगा करके बच्चे नू दुध पियाई, गुरु हरगोबिंद साहब जी खत्म हो जाएंगे। पर होया कि साध संगत जी उस जहर दे नाल ओ दाई आप मर गई, ते मरदिया कह के गई कि यह कर्म मैं नहीं किया, मेरे कोल पृथ्वी ने कराया। बहुत वड्डी बदनामी हुई। अखीरकार दूजा जतन किया गया, कहिंदे हुण ते इस जहर दे नाल ये आप मर गई, पर हुण मैं जहर दा साप ही भेज देना जिहड़ा साडा काम ही पूरा हो जाए। कहिंदे सपेरे ने लियांदा, माया दित्ती, कह कहा कि जा करके उन्होंने घर जिथे वह बच्चा खेडदा है उत्थे सप्प नू छड़ दी, आपे डंग के आपे मार देगा। पर होया कि तवारीख लिखती है संगत जी, जदों सपेरे ने सप्प छड़िया, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने शरीर तो फड़ के मार दिता। तीजा जतन किया कि हुण सपेरा भी कामयाब नहीं रहा, दाई भी कामयाब नहीं रही, हुण ब्राह्मण नू घर बुलाया, ब्राह्मण नू माया दिती है, खुली माया दिती है, ते कहा ये दही लै करके जा, क्योंकि ब्राह्मण एक काम करता सी गुरु हरगोबिंद साहब नू जिन्हों छकांदा सी, खिडांदा सी, खिडौना सी। ते होया कि साध संगत जी जदों ये दही लै करके गुरु हरगोबिंद साहब जी नू छकान गया, ते कहिंदे ने गुरु हरगोबिंद साहब अंतरजामी पातशाह ने बड़े जतन किए मर्ज छकन, मूँह ना खोलन। अखीरकार संगत जी इन्हें बहुत जबरदस्ती गुरु हरगोबिंद साहब जी ने छकाउण वास्ते जतन किया, तो महाराज ने चीक मारी। हुण दो वारी पहला ये भाणा वरत्या, माता गंगा जी भज के आए, देखिया कि ब्राह्मण गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने दही छका रहे, गुरु अर्जन साहब आए, कारण की है? तो साध संगत जी दसिया, उस समय गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा कुछ कारण हो सकता है। स्रोत लिखते ने वो दही कुत्ते नु खवाया, कुत्ते दा उधार हो गया, कुत्ता चढ़ाई कर गया। कहिंदे उस वेले ब्राह्मण दे ढिड विच सूल उठी है, ये मैं नहीं लिखिया, बाणी कहिंदी है। गुरु अर्जन साहब ने कहा भैरो महला पंजवां, गुरु अर्जन साहब ने कहा लेप ना लागो तिलका मूल, ब्राह्मण कहिंदे दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सूल। ये गल चेते रखियो, जिदां दा कर्म करोगे करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। ब्राह्मण ने उस समय ढिड विच सूल उठाया, उठदिया सार कह के गया कर्म मैं नहीं किया, ये तुहाडे भ्राता पृथ्वी चंद ने कराया। साध संगत जी गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी नू मारन वास्ते जतन किए गए, पर जिन्हां दा रखवाला वह परमेश्वर वाहिगुरु आप बन जाता है, साध संगत जी उन्हां नू कोई मार नहीं सकता। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने, गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने उस परमात्मा निरंकार दे अगे बेनतियां कीतियां,
कि सतगुरु कारज सतगुरु आप सवारिया। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 229 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਆ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਜੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਜੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਪੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੋਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ।
सात संगत जी गुरु हरगोबिंद साहब तो बाद गुरु हर राय साहब, गुरु हरकृष्ण साहब तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी गुरता गद्दी ते आए। उधर भाई मुगलू का अखीरला समा आ गया। जदों गुरु हरगोबिंद साहब नूं कोई चेते करदा, प्यार करदा, सच जाणियो महाराज सलोक विच नहीं परलोक विच वी उहदी राखी करदे आ। ढिलवां पिंड दा रहण वाला भाई मुगलू ते संगत जी बेनती कीती अपने घरवाली नूं, अपने परिवार नूं, अज रात दरवाजा बंद ना करियो, गुरु हरगोबिंद साहब आउणगे। समझे ना कि अज दरवाजा बंद नहीं करना, अज गुरु हरगोबिंद साहब आउणगे। पर होया कि संगत जी नगर वालियां नूं भी दस्या सी पर नगर वालियां ने मजाक च लै लिया, कौन आवेगा, गुरु हरगोबिंद साहब किते ए किते। पर संगत जी होया कि अमृत वेले दा समा, गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सिखां नूं घोड़ी तैयार करो, असीं हुणे ही जाणा। महाराज दे घर आ गए, ये मंजे ते पिया होया ते आ करके सात संगत जी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दा शीश अपनी गोद विच रख के कहा मुगलू अखां खोल, असीं बचन तेरे नाल पूरा करन आए हां। छेवें जामे विच कीता गुरु हरगोबिंद साहब जी जदों दर्शन करदा ना भाई मुगलू, दर्शन गुरु हरगोबिंद साहब दे हुंदे आ, आए गुरु तेग बहादुर साहब ने ते गुरु तेग बहादुर साहब दे फिर दर्शन होए ते गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा मंग जो मुगलू मंगना है। कहिंदे महाराज नहीं, बड़ा कुछ आप जी ने दिता, कृपा करो नानक लीन पयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। महाराज ने कहा मुगलू आख सतनाम श्री वाहिगुरु। मुगलू ने भाई ने परलोक पयाना किया है। मैं कहना जेड़ा भी साध संगत जी गुरु नानक साहब के चरणों में मन जोड़दा, नाम नाल जुड़दा, महाराज उहदा ये लोक नहीं परलोक सुहेला कर देंदे है। अज का यह पावन पवित्र दिहाड़ा धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब, आप सभनां नूं लख लख वधाई होवे जी। बेअंत प्रकार दियां भुल्लां हो गईयां, भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार, हुईयां भुल्लां चुका दी मुआफ़ी। बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अकत कथा कहिए गुरु पाए, अकत कथा